हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट कॉस्टिंग, जिसको कि आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग भी हम लोग कहते हैं। इस चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना सीखा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सीखा है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखा, टोटल कॉस्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है, प्रोडक्शन अकाउंट भी हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। सेकेंड पार्ट में अब हम लोग आते हैं जिसमें कि कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस या एस्टिमेशन प्राइस हम लोग कैलकुलेट करना है। ये एस्टिमेशन प्राइस या ये कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करने के चार डिफरेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में देर इज़ नो चेंज इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सेकंड कंडीशन, देर इज चेंज इन कॉस्ट बट नॉट इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। थर्ड कंडीशन, चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन प्रॉफिट बोथ। फोर्थ कंडीशन कहता है देर इज नो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू डिटरमाइन और कैलकुलेट द कोटेशन प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यानी एब्जॉर्प्शन ओवरहेड पर, एब्जॉर्प्शन के ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन बेसिस पर हम लोगों को कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करना है। तो तीन हम लोगों ने कंडीशन कर लिया है। चौथा कंडीशन का हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले किया है। आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जॉर्प्शन वाला जो केस है, कंडीशन है, इसमें भी, इसके भी परसेंटेज में कुछ चेंज होता है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये ओवरहेड को कैसे कैलकुलेट करना है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक दो बार इस क्वेश्चन को अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो मास्टरी हो जाएगी आपको इसमें। देखिए, हेडिंग है व्हेन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज चेंज्ड, यानी एब्जॉर्प्शन का, ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसमें भी हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा। आइए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो प्राइम कॉस्ट में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड ये फैक्ट्री में जाने लायक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा यानी ऑफिस में, सेलिंग ओवरहेड सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग में जाएगा, प्रॉफिट को हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। पहले हम लोग को जो बनाना पड़ता है, जो पहले हम लोग बनाते हैं, ये नीचे का जो डिटेल आपका है एडजस्टमेंट में, इससे हम लोग को बनाना है कोटेशन प्राइस या एस्टिमेशन प्राइस। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपन बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हम लोग को लेना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 150,000 का। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 125,000, ये 375,000 हो गया, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इसमें फैक्ट्री में होने वाले खर्चे को हम लोग ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 75,000 गिवन है, ये हो गया आपका 450,000, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें अब हम लोग ऑफिस में होने वाले खर्चों को ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड के अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 84,000 का। ये कहाँ गड़बड़ हो गया जी, एक और एक दो, सॉरी, थोड़ा सा आप प्लीज यहाँ करेक्शन कर लेना। ये हो गया आपका एक और एक दे 275, ये हो जाएगा 350,000। ऑफिस इसमें है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये है 84,000, चार लाख चौंतीस हजार, ये हो गया आपका ऑफिस कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें अब हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
सेलिंग ओवरहेड है 56,000 का, सेलिंग ओवरहेड 56,000, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ₹35,000, टोटल करेंगे 5,25,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा आ गया 5,25,000। क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट है 1,05,000। इसमें हम लोग अब ऐड कर देंगे प्रॉफिट, एक लाख पांच हजार, तो ये आ जाएगा 6,30,000। इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स, सेल्स हो गया हमारा 6,30,000। चलो अब तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया फटाफट से। अब आइए, अब हम लोग को बनाना है कोटेशन प्राइस ये टेंडर प्राइस, अब हम लोग कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब हम लोग समझते हैं फटाफट से, देखिए अ वर्क ऑर्डर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन 2011, 2011 के लिए हम लोगों का रॉ मटेरियल जो है वर्थ ₹4,000 एंड वेजेस 2,500। यानी 2011 में जो हम लोगों को कोटेशन प्राइस बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल एक यूनिट के लिए, एक यूनिट का बात हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल लगना है ₹4,000 का। इसमें जो वेजेस यानी डायरेक्ट वेजेस लगना है ₹2,500 का लगना है, जिससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगना है बोलते हैं, वुड गो अप बाय 20%। फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये 20% से बढ़ाना है। पहले जितना हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड लगा है उससे 20% और हायर रेट से लगना है, रेट से हायर रेट से लगना है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड किस रेट से लगा ये हम लोग को पता नहीं है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पर करेंगे, क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। आइए, सेलिंग ओवरहेड जो है उसको 12.5% से बढ़ा देना है, वाइल द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेक्टेड टू डाउन बाय 10%। लेकिन जो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इसको 10% से डाउन कम कर देना है, उन दोनों को कॉस्ट को बढ़ाना है ओवरहेड को, और सेलिंग सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है इसको 10% से कम कर देना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिमेन कॉन्स्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जो है कॉन्स्टेंट उतना ही रहने देना है, जिस रेट से लग रहा था पहले उसी रेट से अभी भी लगना है। एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट बी सोल्ड, सो कहता है कि किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल किया जाए ताकि शो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कहता है कि सेलिंग प्राइस पर 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा सेलिंग प्राइस में हम लोग बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इज, अब देखिए बड़ा काम का बात है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है इज, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है किस रेट में, उसका जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, बेसिस उसका क्या होगा, तो कहता है डायरेक्ट वेजेस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में हम लोग कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, और बाकी के जो ओवरहेड हैं वो सबको हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस में हम लोग को कैलकुलेट करना है। बाकी के क्या क्या ओवरहेड बचे हुए हैं, एक तो आपका हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड तो हो गया सॉरी, इसके बाद बचे हुए हमारे ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ये सारे के सारे जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो तो पहले हम लोग ये सारा ओवरहेड का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपका परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, पहले ही बोला है कि डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए साथ साथ करेंगे। हाँ, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट वेजेस लेना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड देखिए आप 75,000 लगा है, तो 75,000 फैक्ट्री ओवरहेड आपको लगा है ना, आउट ऑफ क्या है, बेसिस में किसको लेना है,
कहता है डायरेक्ट वेजेस को, और डायरेक्ट वेजेस हमारा है 1,25,000 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आ जाएगा 60%। यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 60% लगा है, 60% लगा है, हम लोग भी उतना ही लगाएंगे आगे। दूसरा है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन ने बोला ही है कि बाकी सारे के सारे जो है वो आपका ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर लगना है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पहले कितना लगा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पहले लगा है 84,000 का, ठीक है। और फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं बोलता है, फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट आपका है 3,50,000 इस बेसिस पर लगना है मल्टीप्लाइड विथ 100, ये आ जाएगा 24%, 24% के हिसाब से लगना है। अब आते हैं सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री को, सेलिंग ओवरहेड कितना लगना है, सेलिंग ओवरहेड पहले देखिए कितना लगा है, तो सेलिंग ओवरहेड आपको दिख रहा है पहले, सेलिंग ओवरहेड देखिए पहले लगा है 56,000 का, ठीक है। बेसिस में किसको रखना है, तो बेसिस में रखना है आपको फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000 को 16%। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लगा है जी 35,000। इसका भी बेसिस रहना है आपका क्या रहना है, फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट है 3,50,000 मल्टीप्लाइड विथ 100 10%। तो चारों परसेंटेज हम लोगों ने चारों रेट कैलकुलेट कर लिया, इसी रेट से अब हम लोगों को बनाना है ये कोटेशन प्राइस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, हम लोगों को कॉस्ट भी पता चलेगा प्राइस भी पता चलेगा फॉर ऑर्डर वर्क, फॉर वर्क ऑर्डर, जो हम लोग को वर्क ऑर्डर मिला है 2011 के लिए उसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और साथ में प्राइस भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, ये लगा है 4,000 और 2,500, बोले तो 6,500, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 6,500। इसके बाद अब जाकर हम लोग इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके आगे कोई भी ओवरहेड जो है एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसी के लिए तो हम लोगों ने रेट कैलकुलेट किया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये आपका डायरेक्ट वेजेस का 60% लगना है, तो अब हम लोग डायरेक्ट वेजेस का 60% लगा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो डायरेक्ट वेजेस आपका है 2,500, तो 2,500 का 60% हम लोग, ये हो जाएगा 1,500, ठीक है। अब इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी है क्या, कि हाँ क्वेश्चन में कहता है कि इसमें हम लोग को 20% से इंक्रीज कर देना है, 20% से इंक्रीज करना है, एड इंक्रीज बाय 20%, तो 1,500 का 20% 300 हम लोग ऐड कर देंगे, अरे 300 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये सब काम हम लोग ना इस कॉलम में कर सकते हैं, ये आ गया यहाँ। चलो तो इसको अब हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,800 रुपया, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8 8,300। इसको हम लोग बोलेंगे 8,300, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया हमारा 8,300 रुपये का। चलो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट का लगना है 24%, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आ गया है 83%, है ना। ये कितना लगना है, 24% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। चलो, तो फैक्ट्री कॉस्ट है हमारा 8,300 रुपये का, ये है हमारा 8,300। अरे यार, 8,300 का लगना है 24%, 8,300 का 24%। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कांस्टेंट रखना है, तो 24% आपका हो जाएगा 1,992, 1,992। टोटल करेंगे तो 10,292, 10,292। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड जो है ये भी फैक्ट्री कॉस्ट का 16% लगना है, 16% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। है 8,300, इसका लगना है 16%, जो कि होगा 1,328 रुपया। इसमें इंक्रीमेंट है 12.5%, एंड इंक्रीज बाय 12.5%। तो फिर ये 1,328 रुपया का 12.5% से हम लोग को बढ़ा देना है, जो कि होगा 166 रुपया, 166, 1400। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1494 रुपया। ये हो गया हमारा फाइनल सेलिंग ओवरहेड। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है ये हमारा कहता है डाउन या डिक्रीज लिखते हैं। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। चलो, 10% हम लोग को कम कर देना है, तो 8,300 रुपया फैक्ट्री कॉस्ट है, इसका 10% कर देंगे, 83 हम लोग को कम करना है। तो पहले तो इसका 10% ले लेना है ना हम लोग को 8,300 का, तो 8,300 रुपये का 10% हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ लगना है 830 रुपया। इसमें अब जाकर के डिक्रीज करना है, लेस 10% डिक्रीज, ठीक है। तो 10% हम लोग इसमें डिक्रीज करेंगे, 10% अरे यार, यहाँ 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट ऐसा होना चाहिए, ये अब जाकर ठीक है, ठीक है। 10% डिक्रीज करेंगे तो अब जाकर 830 का 10%, अब जाकर 83 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, तो फाइनल कॉस्ट ये माइनस करने के बाद 747 आ जाएगा। ये हुई बात। ये हो गया आपका 12,533। इसको हम लोग बोलेंगे
ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब इसमें हम लोगों को करना है प्रॉफिट, ऐड करना है प्रॉफिट, फिर हमारा आएगा सेलिंग प्राइस, सेल्स। चलो प्रॉफिट के लिए क्या कहता है, 15% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जो है वो 15% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 15%। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो है क्या हम लोग को मिला है, कॉस्ट मिला है, है ना, 12,533 रुपया। 12,533 रुपया जो है ये हम लोगों को कॉस्ट मिला है अभी तक, ठीक है। तो कहता है कि सेलिंग प्राइस का 15% हम लोग को प्रॉफिट लेना है, तो सेलिंग प्राइस तो यानी कॉस्ट प्राइस में अगर 15% अगर ऐड करेंगे तब जा करके सेलिंग प्राइस होगा, ऐसे समझिए बात को, ऐसे समझिए कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100%। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, हाँ ये सही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। सेल्स मान लेते हैं 100% है, 100% का 15% होगा प्रॉफिट, ये हो गया 15%। अब देखो जी, 100 में से 15 गया तो बचा कितना, 85%। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो कॉस्ट मिला है ये अपने आप में 85% है, ये जो है अपने आप में 85% है। तो डिवाइड बाय 85%, अब मल्टीप्लाइड विथ 15% करेंगे अगर हम लोग तो फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड विथ 100% कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सेल्स। तो फिलहाल 15% करेंगे तो 2212 रुपया, 2212 रुपया ये आ गया हमारा प्रॉफिट, और 14,745 रुपया ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग प्राइस हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 12,533 जो है ये हमारा कॉस्ट है, यानी 85% डिवाइड कर देना है, सेल्स हमारा 100% है मल्टीप्लाइड विथ 100%, तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा आपका 14,745 रुपया, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस यहाँ पर ला सकते हैं, और बैलेंसिंग फिगर फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट वहाँ पर हम लोग लिख सकते थे। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, तो एब्जॉर्प्शन वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अगर 2-3 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये आ जाएगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब से जो है हम लोग डेली का जो भी पढ़ाई हम लोग का यहाँ हो रहा है स्मार्ट बोर्ड में, उसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। चैनल से आप जो है इसको PDF के फॉर्म में अच्छे से वहाँ से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। जो भी आज पढ़ाई हुआ ये आपको कैसा लगा, ये एब्जॉर्प्शन वाला बेसिस वाला ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।